ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नमस्कार एवरीवन, आज मैं आप सबको बायो मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन चैप्टर बताने वाला हूँ। ये पर्यावरण से संबंधित चैप्टर है और आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सब में पर्यावरण से मिनिमम 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बिहार दारोगा के एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आइए देखते हैं कैसे। आपने पहले खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने एक आपके दिमाग में एक पिक्चर्स होगी कि घास को एक बकरी खा रही है, बकरी को बाघ खा रहा है, बाघ की जब डेथ हो जाती है तो उसे बैक्टीरिया खाते हैं, वायरस खाते हैं और वो फिर डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन को रिलीज करता है और वापस नाइट्रोजन पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और ये चेन एक चलता रहता है और ये जिसे फूड चेन कहते हैं, एक श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। तो आज जो देखने वाले हैं एक चेन तो नहीं है लेकिन इसे एक टावर बोल सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। एक मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है बढ़ते जाना, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आवर्धन का मतलब बड़ा होना, जिसमें आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर की ओर चीज़ें बढ़ती जाएगी। आइए देखते हैं पहले कि जय आवर्धन है क्या। इसमें है कि एक पोषण स्तर में केमिकल्स की सांद्रता में निरंतर वृद्धि होना, बढ़ते जाना ही जैव आवर्धन कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। यानी जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ये केमिकल्स मुख्य रूप से पारा और डीडीटी होते हैं जो जल में मिलकर जलीय खाद्य श्रृंखला को बायोमैग्निफाइड कर देते हैं। इसका कारण यह है कि इनकी जो हाफ लाइफ जो है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अर्ध आयु, वो जो है पारा और डीडीटी जैसे केमिकल्स की वो लंबी होती है, जिसके वजह से तुरंत विखंडित नहीं हो पाते, अपघटित नहीं हो पाते। इस प्रकार इनके पोषण अस्त्रों में सांद्रता बढ़ती जाती है। क्वेश्चन इसलिए इससे पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे जैसे क्वेश्चन सामने आएगा कि सबसे ज़्यादा सांद्रता डीडीटी की किस में है, जल में, प्लैंकटन में, छोटी मछली में, बड़ी मछली में, तो आपके दिमाग में आएगा डीडीटी अगर कहीं पे छिड़का है, बारिश हुआ, बारिश के पानी से वो घुल कर सीधा जल में जाएगा तो जल में ही ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके वजह से ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। होता यूँ है कि जल को डीडीटी को छिड़क दिया नालियों के आसपास जहाँ पे मच्छर ज़्यादा हो रहे हों, बारिश का पानी हुआ, इधर उधर से पानी आए तो डीडीटी जाकर के जल में घुल गया, लेकिन वहाँ पे वो तुरंत पूरी तरह से वो घुल नहीं पाता, डिकम्पोज नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी जो अर्ध आयु है वो लंबी है,
वो तुरंत विघटित नहीं होता, तो स्टेबल होता है। फिर जब जल में जो प्लैंकटन होते हैं, प्लैंकटन क्या है, एक तरह का घास है, तो प्लैंकटन में उसकी मात्रता थोड़ी बढ़ जाती है। उस प्लैंकटन को जब छोटी मछली खाती है तो उस छोटी मछली में प्लैंकटन से ज़्यादा हो जाती है, और छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है तो उससे और ज़्यादा हो जाती है, और बड़ी मछली को जब मत्स्य भक्षी जैसे बाज, गीद या आदमी कोई आदमी इन बड़ी मछलियों को खाता है तो उनमें सर्वाधिक हो जाता है। ये क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है कि सपोज आप मान लो ऐसे देखते हैं, प्लैंकटन को मान लेते हैं कि एक छोटी मछली 4 प्लैंकटन खाती है, तो अगर सब में एक एक डीडीटी है तो 4 डीडीटी एक में चला गया, और एक बड़ी मछली मान लो 4 छोटी मछली खाती है तो 4×4 16 डीडीटी बड़ी मछली में चला गया। बात समझ में आ रही है? अब मान लो बड़ी मछली 4 तो 16×4 16×64। इस तरह से ये ऊपर की ओर जैसे पोषण स्तर में ऊपर जाते हैं बढ़ते जाते हैं, क्योंकि DDT जो है वो विघटित हो नहीं रहा, वो स्टेबल है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, जैसा आप फ्लो चार्ट में देखेंगे एक्चुअल में क्या होता है, DDT में होता है, जल में होता है DDT 0.003 PPB जो कि न्यूनतम होता है। PPB का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन। प्लैंकटन में DDT होता है 0.004 PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन। छोटी मछली में 0.05 PPM, बड़ी मछली में 2 PPM और मत्स्य भक्षी यानी बाज में 25 PPM सर्वाधिक। अब एक वर्ड, एक एब्रिविएशन और होता है PM, मीन्स क्या, 2.5 PM पार्टिकुलेटेड मैटर। इन सब चीज़ों को भी याद रखना होता है क्योंकि वो भी कभी कभी पूछ देते हैं। DDT क्या है? DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, इससे नुकसान क्या होता है कि पक्षियों में DDT की उच्च सांद्रता, जैसे बाज खाया जो मत्स्य बच्ची है, तो पक्षियों में DDT की उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण एग सेल पतला हो जाता है और यह समय से पहले फट जाता है, जिससे इनकी संख्या कम होने लगती है। मतलब कि DDT के वजह से इनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनका डाइजेशन नहीं हो पाता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब ये प्रजनन करते हैं तो उनसे जो अंडे देते हैं उनके एग सेल, अंडे के जो छिलके होते हैं वो पतले होते हैं और वो मैच्योर होने से पहले फट जाते हैं, जिनके वजह से बच्चे इन पक्षियों के मर जाते हैं। इस तरह से इनकी संख्या में कमी हो जाती है। पारा के बारे में देखा होगा, जापान की बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया था कि फैक्ट्रियों से कुछ निकलने वाले वाटर के साथ पारा को समुद्र में गिरा दिया था,
जैसे गंदे पानी को गिरा देते हैं, उससे क्या हुआ, वो अपघटित हुआ नहीं, मछलियों में चला गया, मछलियों को आदमियों ने खाया और आदमियों को हो गया मिनी माता रोग। पारा से होता है मिनी माता रोग। इंडिया में DDT को बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में चोरी चुपके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए इसे एक पिक्चर्स देखते हैं। ये है आपका क्रमिक पोषण स्तर का चार्ट। नीचे का है वाटर, वाटर से गया प्लैंकटन में, जिसे जू प्लैंकटन लिखा है। उसके बाद स्मॉल फिश, देन लार्ज फिश, देन फिश ईटिंग बर्ड्स। इस चार्ट से क्लियरली पता चल रहा है कि DDT की सांद्रता कैसे बढ़ती जा रही है। ये पिक्चर NCERT के बुक से लिया गया है, इसलिए जो भी इसमें डेटा है आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऑथेंटिक डेटा है। इनसे जुड़े चीज़ें मैं एक और बता रहा था कि बिहार में पहले गिद्ध ज़्यादा देखे जाते थे, लेकिन अब कम देखे जाते हैं। पहले हुआ क्या कि डाइक्लोफेनिक टैबलेट, जो दर्द निवारक गोली है, वो मवेशियों को ज़्यादा दिए जाते थे। उससे क्या हुआ कि मवेशियों के मरने के बाद उसे फेंक देते थे हम लोग। फेंकने से उसे गिद्ध खाते थे और उसका कंसेंट्रेशन जो है डाइक्लोफेनिक का, वो अपघटित जल्दी नहीं हो रहा था, वो गिद्धों में जा रहा था और गिद्धों में जाने से उनके एक सेल कमज़ोर हो रहे थे, जिससे उनके चूजे विकसित नहीं हो रहे थे और उनकी संख्या निरंतर कम होने लगी। बाद में माइक पांडे ने द अर्थ मैटर में इस बात को उठाया और डाइक्लोफेनिक को धीरे धीरे रिड्यूस किया गया, कम इस्तेमाल किया जाने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।